तो प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत का एक श्लोक लिखते हैं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। बहुत सुंदर श्लोक है चैतन्य चरितामृत का। तो वर्णन करता है तीन कैटेगरी के लोग हमेशा अशांत रहते हैं। ये तीन कैटेगरी कौन है? फर्स्ट इज भुक्ति, जो लोग इंद्रिय भोग करना चाहते हैं हमेशा टेंशन में रहते हैं, ऑलवेज इन एंग्जाइटी। यहां देखो धृतराष्ट्र दुर्योधन का उदाहरण, इतना प्लानिंग कर रहे हैं, इतना स्कीमिंग कर रहे हैं, पर हमेशा एंग्जाइटी। सेकेंड कैटेगरी भुक्ति मुक्ति, जो मोक्ष की भी अपेक्षा करते हैं वो लोग भी फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, वो लोग भी टेंशन में रहते हैं। और जो सिद्धि की अपेक्षा करते हैं, जो योगी इत्यादि है, उनकी जिंदगी में भी अशांति है। इन तीनों को इच्छा है, स्वार्थ है अपने प्रति, दे आर थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स। पर जो कृष्ण के भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि कृष्ण के बारे में चिंतन कर रहे हैं, अपने बारे में चिंतन नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनके अंदर काम वास्ता नहीं है, निष्काम अतएव शांत, देयरफॉर दे आर हैप्पी। तो हर साधु संत का यही संदेश होता है। आप भागवतम पढ़ो, चैतन्य चरितामृत पढ़ो, भगवद्गीता पढ़ो, सार यही है कि अगर हमको शांति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, द ओनली थिंग वी हैव टू डू इज वर्शिप कृष्णा।